हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल सोनिया में। तो काम मेरे सब हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। बर्तन थोड़े से थे जो मतलब रात में बच्चों को दूध देने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते वो थे, तो वो भी मैंने मांझ लिया है। और नहा के मैंने पूजा भी कर ली और बच गए हैं अब 8। तो मैं जाऊँगी अब खाने की तैयारी करने। तो हस्बैंड अभी टहल के आएंगे तो हम लोग वही चना खाएंगे सलाद वगैरह डाल के। और फिर उसके बाद जो है मैं आज बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी सुबह का, मतलब नाश्ता जो हस्बैंड खा के ऑफिस जाएंगे। फिर दिन में अपना देखते हो कि क्या बनाना है। तो आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा मन था कि आज मैं साड़ी पहनूँ पर मौसम देख के फिर हिम्मत नहीं पड़ा, क्योंकि साड़ी में जो है ज़्यादा ही तामझाम रहता है। फिर बारिश का मौसम है, मन ही नहीं हुआ कि यूँ कि सूट पहन लो तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैंने सूट ही डाल लिया आज। और ये देखिए अभी कान में मैंने कुछ नहीं पहना, तो पता नहीं क्या होगा कान मेरे पक जा रहे हैं टॉप्स पहनने से। और बाली जो थी मेरे कान वाली, तो जो हल्की वाली डेली उसी बाली थी, तो वो मैं लाई नहीं, वो लखनऊ में रखी है। अब भी जाऊँगी लखनऊ तो फिर ले कर चली आऊँगी मैं लखनऊ वाले घर पर रखे हुए हैं बहुत कुछ जेवर मेरे। तो ये देखिए और क्रीम बिंदी सिंदूर लिपस्टिक भी मैंने लगा ही लिया है, जो नॉर्मल लगाते हैं वो सब लगा लिया है। और देखिए दिखा देती हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं अभी और बज गए 8:05। देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, सिद्धू सो रही हैं, इधर गज्जू सो रही हैं और इधर बज गए देखिए 8:05 हो रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी पूजा भी हो गई। ये देखिए पूजा भी हो गई मेरी। तो कल का वीडियो भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, उसको आज उसकी भी एडिटिंग करनी है, अपलोड करना है। और फिर आज का वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो बहुत थकान हो जाता है। तो आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हम लोग के वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ किचन में चलिए, देखिए मैं किस तरीके से खाने की तैयारी कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय। तो मैंने पहले जो है फ्रीज से कद्दू को बाहर निकाल लिया, फिर मैं इसको छील के और बढ़िया से धुल लूँगी, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और कद्दू की सब्जी में आज मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ मिर्चा और लहसुन में ही कद्दू की सब्जी बनाऊँगी। और इसमें मेथी और हींग से तड़का दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कद्दू को काट लिया है। फिर जब मेरी सब्जी कट गई तो फिर बाद में हस्बैंड ने मना कर दिया कि जो मैं इस टाइम सब्जी रोटी खा के नहीं जाऊंगा, डाइट दिन में ही सब्जी रोटी दाल चावल सब खाऊंगा और सिर्फ ये चना वगैरह खाने के बाद फिर ऑफिस निकलने से पहले मेरे लिए ओट्स बना देना, तो फिर मैं वही खा के चला जाऊंगा। तो मैंने क्या क्या यहाँ पर फिर सैलेड की तैयारी कर ली चने में डालने के लिए। तो अपने और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर जो है चना उबाल के फिर यहाँ पर तैयार कर लिया, उसमें सैलेड काट दिया है। फिर हस्बैंड का ऑफिस निकलने से पहले जो है मैंने ओट्स बना के उनको दे दिया था, वो खा के चले गए। फिर कद्दू की सब्जी को मैंने उस समय नहीं छौंका, फिर मैंने कहा बाद में ही दोपहर में बनाएंगे इसको आराम से। फिर मैं आ गई यहाँ पे बिस्तर सेट करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे। तो फिर बच्चों को ब्रश व्रश कराने के बाद मैंने उनको एप्पल दे दिया है। एप्पल खाओ सिद्धू। काले हो? हाँ, एप्पल खाने से ताकत आती है। कैसे कैसे? ऐसी ताकत आती है। हाँ हाँ, दीदी ने पूरा फिनिश कर दिया। वाह। हेलो दोस्तों। हाँ रिद्धू सिद्धू एप्पल खा रही है। ए रिद्धू सिद्धू बता दो, हम लोग नहा के तैयार हो गए, हम लोग ने नाश्ता कर लिया, अब हम लोग एप्पल खा रहे हैं। हाँ ये मेरा गुड्डा। ओ छिम छिम हो जाएगा, छही छिपे तो छही छिपे तो छही छिपे तो।
तो अब मैं आ गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने। तो कद्दू तो मैंने सुबह काट ही दिया था, अब मैं उसको छौंक दूंगी। तो यहाँ मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिया कढ़ाई और उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। जब सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने उसमें थोड़े से मेथी के दाने डाले और थोड़ी सी हींग। फिर उसके बाद मैंने लहसुन मिर्चा काट के रखा था, मैंने उसको डाल दिया। और जब लहसुन हमारे थोड़े से लाल हो जाएंगे तो मैं उसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर उसके बाद मैं कद्दू को डाल दूंगी। फिर जब कद्दू हमारे थोड़े से गलने लगेंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चीनी डाल दूंगी। तो अमचूर पाउडर और चीनी डालने से क्या होता है कि कद्दू में थोड़ा सा खटमिठा स्वाद आ जाता है और सब्ज़ी फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत लोग आप जानते होंगे कि कद्दू की सब्ज़ी में अमचूर पाउडर या चीनी डालते होंगे। तो जिनके पास अमचूर पाउडर नहीं है वो उसकी जगह खटाई या आम का अचार भी डाल सकते हैं, या अचार के मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। और चीनी की जगह आप चाहें थोड़ा सा गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है अमचूर पाउडर था और गुड़ नहीं था, तो मैंने चीनी डाल दिया। तो थोड़ा सा तो जो है इससे भी स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है। फिर जो उसके बाद जो है फिर मैंने दोबारा कद्दू की सब्ज़ी को ढक दिया था और ज़्यादा गलने के लिए। फिर मैंने बीच में खोल के देखा, जब कद्दू की सब्ज़ी और ज़्यादा गल गई तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर दिया। तो मैश करने से क्या होता है ना कि कद्दू जो है एकदम से जब पिघल जाते हैं, एकदम क्या कहते हैं कि चोखे की टाइप हो जाता है, तो कद्दू की सब्ज़ी जो है खाने में और अच्छी लगती है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कद्दू की सब्ज़ी इस तरीके से खाने में। जब कद्दू एकदम खड़ा खड़ा रहता है तो उस तरीके से सब्ज़ी खाने में उतना मज़ा नहीं आता कद्दू की। जब उसको जो एकदम चटनी की तरह उसको मैश कर दीजिए तो वो सब्ज़ी और जो है 4 गुना स्वाद उसमें बढ़ जाता है। तो ये देखिए मेरी कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई। डी तो आप ही तो खेल रही थी, कहाँ कहाँ फेंका आपने? बैठ के नीचे देखो, टैडी बैठ के नीचे गिरा है, जरा देखो तो बैठ के नीचे देखो मेरा बेटा, नहीं है, कहाँ गया? दीदी तो पूछो, दीदी टैडी जानती हो सिद्धू का? ओ, तो कहाँ गया? बुला बात दो टैडी को। पूछो कहाँ टैडी? फिर से आवाज दो सिद्धू, जरा सिद्धू, ए सिद्धू, सिद्धू सिद्धू, तेजी से आवाज दो, तेज आवाज दो, टैडी अरे मेरी लाडो का टैडी कहाँ गया, मेरी गुड़िया का? सिद्धू सिद्धू मंकी बन के दिखा, मंकी एक बार और, एक बार और, अली 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 मिले गुड्डा, अली मिले छोटे से गुड्डा। टैडी तुम कहाँ हो? कौन रो रहा है? ये इसको पिट्टी पड़ी ना इसलिए वो रो रहा है। सिद्धू लव यू बाय। क्यों? टैडी टैडी मेरे को नहीं पता मेरी जान, मम्मा का स्टॉल छोड़ो, भागो 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 भागो, किधर चले किधर, अच्छा मेरा हाथ पकड़ो, किधर चले? चलो चलो कहाँ चले, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे टैडी को, किधर ढूंढे? मम्मा ढूंढे मेरी बेटी का टैडी कहाँ गया? ओ ओ वो गिरा तुम्हारा टैडी, वो रहा टैडी, उठा दो दीदी, मिल गया सिद्धू टैडी, दीदी निकाल रही है, देखो मम्मा साफ कर दे, साफ कर दे, सिद्धू का टैडी मिल गया मिल गया मिल गया, ये इसको प्यार कर लो, नीचे गिरा था,
पूछो कहाँ थे तुम? पूछो कहीं चोट तो नहीं लगी इसको? पूछो क्या कह रहा है? नहीं लगी? रो तो नहीं रहा? जरा देखो टैडी को, देखो जरा रो तो नहीं रहा? हाँ चुट्टू लगी। फुक्को कर दो, फुक्को कर दो जल्दी से। निन्नू करा दो इसको, अब निन्नू करा दो। इसको नींद आ रही है टैडी को तुम्हारे सिद्धू। अरे ये कैसे सुला रही हो? गोदी में लेके सुला दो, गोदी में लेके सुला दो। फिर उसको दर्द करेगा ना, और तुमने उसके कान खींच लिए। निन्नू करा दो, ऐसे गोदी में लिटा दो, जैसे मम्मा अपनी सिद्धू को लिटाती है अपने बेबी को, वैसे तुम भी लिटा दो जरा इसको। सिद्धू आप खुद से खा लोगी? मम्मा खिला दे। तो तुम तो छोटी हो ना, कैसे खाओगी? उससे खा लोगी? अरे मेरी छिट्टू तो बड़ी हो गई। आज आज दीदी खा रही, दीदी के साथ आप भी बैठ के खा लो। गजू इस तरफ फेस करो बेटा, उधर मुंह करके खाना नहीं खाते। हाँ ये रहा आपका खाना, मम्मा लाएगी। देखो ये हमारी सिद्धू की थाली है, एक चम्मच दाल, थोड़ी सी जरा सी आधी चम्मच सब्जी, एक रोटी, और ये मेरी रिद्धू की दाल है, सॉरी रिद्धू की थाली है, दो रोटी, जरा सी दाल, जरा सी कद्दू की सब्जी। आजा मेरा बेटा गज्जू। ए बिट्टू दस नो मम्मा की बात, इस तरह मुंह करके खाना खाओ, उधर मुंह करके खाना नहीं खाते, भगवान गुस्सा होते हैं। हाँ हाँ आजा मेरे लाडो, आजा सिद्धू, उधर दीदी के बगल बैठ जाओ। ये जैसे दीदी बैठी उधर बैठ जाओ आप भी। हाँ जैसे दीदी बैठी ना, मैं बता रही हूँ। वेरी गुड। हाँ अच्छी बनी है। थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चों। ओ माय गॉड कितनी अच्छी बनी है। पहले ऐसे सही से बैठो, ऐसे ऐसे पैर फोल्ड तो कर लो। सिद्धू आप खा के बताओ बेटा कैसी बनी है। अरे सूखी रोटी खा रही हो, सब्जी के साथ तो खाओ। अभी मम्मा बाद में खाएंगे, जब पापा आ जाएंगे तब, अभी नहीं। अच्छा है ना? मम्मा ने अच्छी बनाई है। सिद्धू कैसी बनी है सब्जी, सब खा के देखो। कैसी बनी? अच्छी बनी है। अले मेरे लाडू, लाडू पूरा गम्मा कर देना, पूरा फिनिश कर देना। ओके ओके सिद्धू, सिद्धू ओके, जो पूरा खाना फिनिश करेगा ना, मम्मा उसको ढेर सारा प्यार करेगी, इतना सारा प्यार करेगी। हाँ जो खाना पूरा फिनिश करेगा उसको, पूरा फिनिश करना है पूरा। हाँ दोनों को। चलो तुम दोनों लोग खाना खा लो, मम्मा काम निपटा ले अपना। ओके हाँ सिद्धू ओके। चलो हाँ गिराना नहीं मेरा बच्चा। हाँ खा लो मेरी जान, मेरी छोटी राजकुमारी, दीदी बड़ी राजकुमारी, मेरी बड़ी राजकुमारी, ये मेरी छोटी राजकुमारी। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपको अपनी दोनों राजकुमारियों से मिला रही हूँ, ये मेरी बड़ी राजकुमारी, ये मेरी छोटी राजकुमारी। और मम्मा रानी, पापा राजा। एक राजा था, एक रानी थी, उनकी दो राजकुमारियाँ थी, थी नहीं है, हैं। एक राजा है, एक रानी है, और उनकी दो राजकुमारियाँ हैं, एक का नाम रिद्धू, एक का नाम सिद्धू। एक बड़ी राजकुमारी, एक छोटी राजकुमारी, मम्मी रानी, पापा राजा। हाँ हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और मैंने निकाल दिया उनके लिए खाना। फिर देखिए कद्दू की सब्जी, दाल,
दाल आज मैंने सिर्फ घी और जीरे में ही सिर्फ तड़का दिया है, क्योंकि ये सब्जी थी तो मैंने लहसुन मिर्ची में आज तड़का नहीं दिया दाल का, सिर्फ सिंपल घी और जीरे में ही तड़का दिया है। फिर ये दही ऊपर से मैंने डाला है, काली मिर्च, चावल, रोटी। तो ये इतनी बढ़िया लग रही है थाली। देखिए हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं लंच के लिए। कैसी बनी सब्जी? क्या, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया गज्जू? नहीं नहीं, ला ला ला, मेरी बेटी ने खा ली, ला दे दो बेटा। वाह गज्जू, कितना अच्छा बिस्तर बिछाया है मेरी बेटी ने, वाह मेरा बच्चा। क्या देखो आपने बिछाया है, वाह देखो दीदी ने कितना बढ़िया बिस्तर साफ किया है। हाँ मेरी गज्जू बड़ी हो गई है। हाँ आपने बिछाया। तो आज के व्लॉग में यहीं पे करूँगी एंड, और मिलती हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।